जनपद संभल के चंदौसी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस मामले में की गई कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिस तरह से हाथरस मामले में वहां के एसपी और पुलिस कर्मियों को निलंबित करके शासन ने कार्यवाही की, लेकिन डीएम के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी को लेकर आज जनपद संभल के चंदौसी में फवारा चौक पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस मामले में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि गीता वाल्मीकि ने कहा कि वहां के अधिकारियों को निलंबित न किया जाए बल्कि बर्खास्त किया जाए, तब हम समझेंगे कि हमारी समाज की बिटिया के साथ न्याय किया गया है। धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं मुख्यमंत्री साहब, क्या चाहते हैं? हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हुआ, हमारे बेटी के साथ जो दुर्दशा हुई है, उसकी निंदा कर रहे हैं और उस बेटी की आत्मा से शांति के लिए। सरकार का दावा है कि वो लगातार कार्रवाई कर रही है, तो आप भी मांग क्या है? ये कार्रवाई कोई हम खुश नहीं है। हम तो क्या पूरा वाल्मीकि समाज देश का वाल्मीकि समाज चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी डीएम और एसपी वगैरह जो भी अधिकारी एडीजी सस्पेंड किए हैं उनको सस्पेंड या किया जाए, कम्प्लेंट किया जाए, तब हम लोग समझेंगे कि हमारे समाज के साथ न्याय। ऐसा उद्देश्य ये है 14 तारीख को जिला है वहाँ एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ में रेप कर और उसकी हत्या कर दी गई, और प्रशासन ने उन अपराधियों को बचाने के लिए उनमें जो है 376 का मुकदमा दर्ज नहीं किया और जो है उन्हें मारपीट का दिखाने लगा। और इसके बाद में जब उस लड़की ने 2 दिन बाद बयान भी दिए और उसमें जो है उसने कहा कि मेरे साथ में बलात्कार हुआ है, तो उसके बाद भी प्रशासन ने उसका मेडिकल नहीं कराया और वहाँ के डीएम और एसपी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ में बलात्कार नहीं हुआ है। यानी कि वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, ना कि कोई वैज्ञानिक ना कोई डॉक्टर हैं, जो कि वो ये बात कह रहे हैं कि इसके साथ में मेडिकल नहीं हुआ है। और बलात्कार की पुष्टि जब होती है, जब उसका मेडिकल होता ये लड़की के बयान पर जिन लोगों ने ये घोर अपराध किया है वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, ना वो किसी जाति के ना किसी धर्म के व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समाज से वो आते हैं उनके लोगों से भी हमारे संबंध हैं, कि वो हमारी बहन बेटी की तरह हम उनको मानते हैं, वो हमें मानते हैं। पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो भारत का पूरा वाल्मीकि समाज आज तो सांकेतिक धरना दिया है, फिर पूरे जब तक उन्हें फांसी नहीं हो जाएगी, जब तक के लिए सफाई व्यवस्था शहर की बंद कर दी जाएगी।